आत्मशुद्धि के लिए बिपाशा बसु पहुंची हिमालय। क्या ग्लैमर वर्ल्ड से बिपाशा बसु का मोह भंग हो गया है? बार बार दिल टूटने से वे निराश हैं? ये प्रश्न बिपाशा के फैंस के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि बिपाशा बसु आत्मा के कायाकल्प के लिए हिमालय की वादियों में पहुंच गई हैं। आनंद आश्रम में बिपाशा 11 दिन बिताएंगी। 15 फरवरी को वे आश्रम पहुंच गई और हिमालय से बिपाशा ने ट्वीट किया, खुशी ही मेरा ध्येय है। पहाड़, हरियाली, ताजी हवा और प्रकृति के साथ शांति महसूस कर रही हूँ। उन्होंने रुद्राक्ष माला पहनी अपनी एक फोटो भी पोस्ट की है। बिपाशा का बाहरी दुनिया से अब संपर्क टूट गया है। 11 दिन तक वे किसी से बात नहीं करेंगी। इस दौरान उनका सारा समय सत्संग, ध्यान और योगा कर बीतेगा। क्या हमें बदली हुई बिपाशा देखने को मिलेगी? इंतजार कीजिए। आमिर पर भड़की पूजा भट्ट, कहा सनी लियोन को किया शर्मिंदा। AIB रोस्ट को लेकर कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। पिछले दिनों आमिर खान ने इस शो की निंदा की, जिससे कई लोग भड़क गए और उन्होंने आमिर को दोगला बताया। शो में आलिया भट्ट भी मौजूद थीं और आमिर की बात आलिया की बहन पूजा भट्ट को पसंद नहीं आई। पूजा ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये वही आमिर हैं जिनकी फिल्म देली बेली में एक द्विअर्थी गाना भाग डीके बोस था। ये वही आमिर हैं जिनकी फिल्म पीके के न्यूड पोस्टर ने तो सनी लियोन तक को शर्मिंदा कर दिया। गौरतलब है कि आमिर और पूजा भट्ट ने दिल है कि मानता नहीं नामक फिल्म में भी काम किया है। इसका निर्देशन पूजा के पिता महेश भट्ट ने किया था और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता भी मिली थी।